तो संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जारी नहीं हुए मीडिया कर्मियों के पास मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का मीडिया कर्मियों ने किया बहिष्कार। तो ये बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, कल्की धाम के शिलान्यास में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पास जारी नहीं होने पर गुस्साए मीडिया कर्मियों ने की नारेबाजी। पुलिस प्रशासन में उच्च अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को नहीं दी एंट्री। संभल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को आखिर किस बात का डर था? तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर संभल से, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जारी नहीं हुए मीडिया कर्मियों के पास मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का मीडिया कर्मियों ने किया बहिष्कार। कल्की धाम के शिलान्यास में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पास जारी नहीं होने पर गुस्साए मीडिया कर्मियों ने की नारेबाजी। पुलिस प्रशासन में उच्च अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को नहीं दी एंट्री। संभल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को आखिर किस बात का डर? तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा, कुछ पर क्या वजह है जो कि जाने नहीं दिया। बड़ा मीडिया का दुर्भाग्य कि आज मीडिया को ये दिन भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ कमियां हैं जिला प्रशासन की, वो या छुपाना चाह रहा है। वरना आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को मीडिया को रोका गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम मैं 20-22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और ये मीडिया इस चीज़ को आगे भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी यदि ऐसा रहा तो उसका भी विरोध कर सकता है। खड़े हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? संभल के अचोड़ा कम्बोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है और जिला प्रशासन ने एक दिन पहले अवगत कराया था कि पत्रकारों को पास निर्गत किए जा रहे हैं। सभी लोगों से फोटो लिए गए थे। इसके बाद सुबह जब कार्यक्रम स्थल पर आए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको भी अंदर एंट्री करा दी गई। जो कल्की धाम के लोग हैं उनको भी एंट्री करा दी। 500-700 लोग सब अंदर कार्यक्रम स्थल में हैं। मुख्यमंत्री आ चुके हैं, इसके बाद भी मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और इसके साथ ही कोई वरिष्ठ अधिकारी फोन भी उठाने को तैयार नहीं है। तो जाहिर तौर पर ऐसा कुछ है जिससे प्रशासन छुपाने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए ये सब किया जा रहा है।